जी बहुत बहुत शुक्रिया। 5,55,000 से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह चुनाव जीते हैं। कुछ आंकड़े हैं जिन पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगातार बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आपके राज्य में जो क्या स्थिति रही है, 80 उत्तर प्रदेश की, 62 एनडीए और 1 यूपीए और 17 महागठबंधन, जो जो रुझान दिख रहा है जिस तरफ जाता है। महाराष्ट्र में 42 एनडीए, 6 यूपीए, लगभग ये स्टैटिक सा उतर है। महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये तो क्लीन स्वीप अमर सिंह जी रही हैं। लगभग लगभग पूरे के पूरा चुनाव जैसे कि एक तरफा हुआ है वहाँ पर। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हाँ जैसा सोच रहे थे उत्तर प्रदेश में काफ़ी कठिन होगा, लेकिन 62 के आसपास सीटें दिखाई दे रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कठिन होगा ये सोचना ही बेकार बात है, क्योंकि 20 साल तक हम लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी में रहे, हमने अपने कार्यकर्ताओं को सिखाया कि बीएसपी से कैसे निपटा जाए, और बीएसपी के नेताओं ने सिखाया कि हमारे कार्यकर्ताओं से कैसे निपटा जाए। तो 20 साल तक जो नीचे लोग एक दूसरे से निपट रहे हैं उनके अंदर एकता कैसे हो जाएगी, वो एक दूसरे को सामाजिक स्तर पर भी प्रतिद्वंदी है। लेकिन अमर सिंह जी कहा जाता है कि वोट ट्रांसफर हो सकता है बीएसपी का, तो वो वोट ट्रांसफर हुआ नहीं क्या? क्या कहां पे पेज नीचे कहां नीचे जो जड़ है, जड़ में जो लोग ये सोचते हैं कि यादव मुसलमान और दलित इनका ठेका हमारे पास है, इनका घमंड चूर चूर हो गया। ये ठेकेदारी की राजनीति बंद हो गई, और जो तुष्टीकरण की राजनीति है, मैं मुसलमानों का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर के जो पाकिस्तान का गाना गाए उसका विरोध मैं जरूर करता हूँ। दादा आपकी तरफ देख के बोला इन्होंने, दादा आप आपकी तरफ देख रहे थे कि आपकी तरफ देख रहे थे? ना ना अभी अपनी बांग्ला बोलो, बांग्ला बोलछी, पूछते बारी हमें ना ना बोलो 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 अपनी जरा एकदम सर ठीक बोले छे। हां বাংলায় খাবে, ভারতে থাকবে, বাংলায় থাকবে, কাশ্মীরে থাকবে, এখানে থাকবে, সোশ্যাল ওয়ার্কার হুম, মানে বার বার এই বলতে হুম, জো পাকিস্তান কা গুনগান গায়েগা ও পাকিস্তান চলা যাও, চলা যাও, মানে বলতে হুম, মানে এক সোশ্যাল ওয়ার্কার বলতে হুম, একবার নেই हजार बार मैं बोला, मैंने बोला हजार बार बोला, ये मेरा बात है, मेरी बात सुनिए। सर समय आ रहा हूँ, बिस्मिल्ला खान का विरोध कैसे करिएगा आप? सर हो ही नहीं सकता, सर हो ही नहीं सकता, इसकी इसकी नींव में वही है सारे लोग, तो उसको कैसे निर्णय अलग कर देंगे? विरोध कैसे? बिल्कुल सर, सवाल ये है कि टीएमसी के लिए ये कोई सबक है जो तमाम सारी चीजें जिसकी तरफ आई एम कमिंग सर, मैं सवाल ले लेता हूँ आपका, आई एम कमिंग जी जी। अगले साल बंगाल में चुनाव है, टीएमसी गायब हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पोतिक जी मुझे क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन किया, मैं टीएमसी के आंसर नहीं दिया, टीएमसी गायब नहीं होगा, बनाना चाहते हैं, नहीं होगा, दुर्गा पूजा नहीं होगा, तो मैं बोलता हूँ आज जो मोदी मोदी बोल रहे हैं, कल मोदी नहीं आएगा, ये भी पता है, मोदी नहीं जाएंगे, ये भी सुन लीजिए, और वो जो पहले मैंने बता दिया, जब जब हर हर दादा, दादा बोलूंगा हर हर महादेव, दादा ना तो ठीक है, मैं भी बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुन लीजिए मेरा बात, देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, इनसे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती नेताओं से, मतलब लेकिन वो चीज ना सीखी है जो ना सीखने वाली चीज है। अरे अच्छे खासे इंसान है, कहां तब्दील होने जा रहे हैं आप? अब ऐसे ही रहिए जैसे, प्लीज सर मैं आपको, मैं आपको अब वार्निंग दे रहा हूं, अब मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, मैं आपको अब वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा। दादा ये 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 सबक है कि नहीं है जो उन्होंने सवाल पूछा बंगाल के? ठीक बोला आपने, ठीक बोला, ये सबक है। अंदर 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 जब सब पार्टी, जब सब आपने बांग्ला बोलो ना, कोशिश कर रहा हूं, सब पॉलिटिकल पार्टी को एक बार सोचना चाहिए था। हाँ। अंदर 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 पब्लिक ने, पब्लिक जनता जनार्दन है, वो पब्लिक भाजपा को चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं, हाँ।
तो ये सोचा था, सोचना चाहिए था। लेकिन यूपी में क्या हुआ, वो राहुल गांधी ने हमारे तो मन है जो राहुल गांधी निजे ही चाहते ना जो मना यूपी ते महागठबंधन जीतू। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लेकिन लेकिन सीधे ये राहुल गांधी के शॉर्ट्स आ रहे हैं, मैं इसको विजुअल से मैं इसको इस पर गौर कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, साथ में प्रियंका गांधी उनकी बहन भी। दिस इज नॉट द वे, प्लीज। कांग्रेस का कार्यालय जहां पे इस वक्त राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वडेरा सा दोनों लोग मौजूद है, आए हुए हैं कार्यकर्ता।